नमस्कार बहन वाजपेयी, अपने YouTube चैनल मैं बहन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज किस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ SSC CHSL 2019 एग्जाम के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि SSC CHSL 2019 का आप लोग टीयर टू का एग्जाम दे चुके हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेज है वो है टाइपिंग। अब आपको टाइपिंग देना है और कहीं ना कहीं जो आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो आपकी टाइपिंग पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप टाइपिंग को क्वालिफाई करेंगे तभी कहीं ना कहीं आप फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे, चाहे आपने कितना भी अच्छा स्कोर किया हो। अगर आप टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप रह जाएंगे। तो टाइपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है SSC CHSL एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो दारोमदार है वो टाइपिंग पे डिपेंड करता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि टाइपिंग का एक सही वे क्या है, मतलब एक सही तरीका क्या है टाइपिंग को करने का, मतलब किस तरीके से आप बैठेंगे, कैसे आपको करना है, वो सारा कुछ आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्योंकि तरीका जो है वो भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे क्रिकेट आप खेलते हैं तो ऐसे क्रिकेट मतलब सभी लोग खेलते हैं, लेकिन जब आप किसी मतलब कोई जो स्टेडियम है वहां पे अगर आप अपना एडमिशन कराएंगे, किसी कोच के अगर संरक्षण में करेंगे, तो वहां पे वो टेक्निक आपको बताते हैं, तरीका बताते हैं, उससे आपका जो खेल है वो एक इंटरनेशनल लेवल का जाता है। तो वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है। टाइपिंग तो सभी लोग करते हैं, लेकिन अगर टाइपिंग करने का एक सही तरीका आपको नहीं पता होगा कि किस तरीके से आपको बैठना है, कैसे करना है, वो सारी बातें अगर नहीं पता होंगी तो कहीं ना कहीं जो आपकी एक अच्छी एक्यूरेसी आनी चाहिए, जो अच्छी स्पीड आनी चाहिए, वो नहीं आ पाएगी। तो आज मैं आपको एक राइट वे आपको बताने वाला हूं कि सही तरीका क्या है टाइपिंग को करने का। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर जो बातें मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं इसका अगर आपने 50% भी अप्लाई कर लिया तो 110% आप टाइपिंग को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ ये शेयर करनी है कि अगर आप SSC CHSL 2019 का टाइपिंग 110% क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने कंप्लीट टाइपिंग का कोर्स बना दिया है, जिसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। क्या क्या मिलेगा यहाँ पे आपको 32 प्रीवियस ईयर के SSC CHSL और CGL के टाइपिंग के पैसेज मिलेंगे, जो कि मैंने RTI के थ्रू निकाले। उसके अलावा यहाँ पे 60 प्लस आपको एग्जाम बेस्ड टाइपिंग के पैसेज मिलेंगे, और इसके अलावा आपको सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे। जैसे ये जो वीडियो आप देख पा रहे हैं ये भी हमारे टाइपिंग कोर्स का ही पार्ट है। तो तमाम जो भी जानकारी आपको टाइपिंग के लिए चाहिए कि आपको टाइपिंग कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे स्पीड आप अपनी बढ़ाएंगे, क्या तरीका होगा टाइपिंग करने का, हाफ एरर फुल एरर, मतलब टाइपिंग के सारे जो डाउट हैं वो आपको वीडियो के थ्रू क्लियर किए जाएंगे। और उसके अलावा आपको ऑनलाइन कैसे टाइपिंग करनी है, ऑफलाइन कैसे करनी है, ऑनलाइन अगर टाइपिंग करनी है तो किस सॉफ्टवेयर पे करेंगे, सब कुछ, यानी कि आपको A to Z जानकारी जो है यहाँ पे वीडियो के थ्रू भी दी जाएगी, और कंप्लीट आपको प्रैक्टिस के लिए 92 ओवरऑल आपको पैसे दिए जाएंगे। तो ये जो टाइपिंग का कोर्स है इसकी फीस इतनी मैंने कम रखी है कि हर एक स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकता है। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है, कैसे आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 6307185699, मैं नंबर फिर से रिपीट कर देता हूँ, 6307185699, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना, आपको कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज हम बात करेंगे कि टाइपिंग करने का एक सही वे क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप टाइपिंग करेंगे तो आप बिस्तर पर बैठ के टाइपिंग नहीं करेंगे। जैसे क्या होता है, कुछ बच्चे मैं देखता हूँ कि वो अगर चारपाई पे बैठे हैं तो चारपाई जैसे अपने पैरों पे अपना वो रख लिया, कंप्यूटर रख लिया या कीबोर्ड रख लिया और उस पर टाइप कर रहे हैं। तो ये सब जो तरीका है वो गलत है टाइपिंग करने का। जब भी आप टाइपिंग करेंगे तो एक प्रॉपर वे में बैठेंगे, क्योंकि बैठना जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको वहां पे बैठाया जाता है हूबहू आप वैसे बैठ के टाइपिंग हर बार प्रैक्टिस वैसे करना है। इस तरीके से जैसे ये चेयर है और ये टेबल है, इस पे अपना यहाँ पे हमने कंप्यूटर रख लिया और यहाँ पे हमारे पास कीबोर्ड है, इस पे रखा हमने और फिर हम टाइप कर रहे हैं। तो ये पोजीशन होती है। उसके अलावा जब भी आप टाइपिंग करेंगे तो इस तरीके से बैठेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट, और ये जो जब आप टाइप कर रहे हैं तो कीबोर्ड पे उंगलियां इस तरीके से आपकी होनी चाहिए। ये जो पार्ट है ये कभी भी यहाँ पे
ये आप इससे टच नहीं करेंगे। कहने का मतलब यह है कि जब भी आप टाइपिंग करेंगे तो आपकी जो पोजीशन है वो इस तरीके की होनी चाहिए। और जैसे मान लेते हैं, ऐसा नहीं है कि इतनी ही अच्छी मेज हो आपके पास और इतनी अच्छी चेयर हो, बस इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास टेबल हो और चेयर हो। और इतना आप ध्यान रखिए कि जो टेबल और चेयर के बीच का गैप है वो इतना होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए ताकि आपको बैठते हुए बन जाए और हूबहू वैसे ही आपको वहां पे बैठाना चाहेगा। तो जब भी आप टाइपिंग कर रहे हैं तो हमेशा, कभी भी आपको बिस्तर पे टाइपिंग नहीं करनी है, हमेशा आप किस पे टाइपिंग करेंगे, टेबल और चेयर पे। चेयर पे बैठेंगे बिल्कुल स्ट्रेट और इस पोजीशन में आपको टाइपिंग करनी है। और टाइपिंग अगर आपको बहुत अच्छी अपनी करनी है तो जैसे कुछ बच्चों के दिमाग में होता है कि हम ऑनलाइन टाइपिंग करेंगे, तो ऑनलाइन टाइपिंग में आपकी स्पीड नहीं बनती। कभी भी आप स्पीड और एक्यूरेसी जो है वो ऑनलाइन टाइपिंग में नहीं बना सकते, कभी भी नहीं बना सकते। ये बिल्कुल 110% सही बात है। आप किसी से भी पूछ लीजिए जो बहुत अच्छी टाइपिंग कर लेता होगा, वो भी आपको यही जानकारी देगा। जैसे अगर आपको टाइपिंग अपनी बहुत अच्छी करनी है तो उसका जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि आप जो कंटेंट है उसको आप अपने सामने रखिए और उसे देख के आपको टाइप करना है हमेशा, क्योंकि इससे क्या है कि आपकी जो मतलब वर्ड्स को पढ़ने की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ेगी, उसके अलावा शार्पनेस बढ़ेगी, उसके अलावा टाइपिंग जो है उस पे आपकी जो उंगलियां हैं वो एकदम सेट होंगी। कैसे? जैसे आप कंटेंट को देखेंगे, आपको फोकस सिर्फ अपने कंटेंट पे रखना है, ना कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे और ना ही अपने कीबोर्ड पे, ना ही उंगलियों पे, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को देख के टाइप करना है। उसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि जैसे जो भी स्पेलिंग लिखी हुई है पूरा एक ही बार में पूरा वर्ड पढ़ने का प्रयास करिए। ऐसा नहीं कि एक अल्फाबेट पढ़ा, जैसे एंड लिखा हुआ तो पहले ए पढ़ रहे हैं, फिर एन पढ़ रहे हैं, फिर डी पढ़ रहे हैं, एंड को पूरा एक साथ पढ़िए। इससे क्या है, जैसे आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वर्ड्स आपको अच्छे खासे याद होंगे। और कहीं ना कहीं जो वर्ड्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जैसे किसी को, जैसे आपको वर्ड पता है तो वो वर्ड आपको फिर दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, वो फिर फीडिंग होगी, जब फीडिंग होती है तो फिर वो जल्दी टाइप होता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। उसके अलावा जब भी टाइपिंग आप शुरू करेंगे, जैसे मान लिया आपने स्टार्ट किया टाइपिंग करना, तो टाइपिंग जब करना आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या करिए, आप ऐसा नहीं कि तुरंत तेजी से टाइप करने लगिए, शुरुआत में आप एक मिनट जो है अपना आराम से टाइप करिए, जिससे क्या है कि आप बिल्कुल सेट हो जाएंगे, आपकी जो उंगलियां हैं वो बिल्कुल कीबोर्ड के साथ सेट हो जाएंगे। चाहे आपको नया कीबोर्ड मिले या आप जो घर पे टाइप कर रहे हैं उसमें भी यही चीज आपको अप्लाई करनी है, और एक मिनट के बाद आप देखेंगे खुद आपकी जो उंगलियां हैं वो रिदम पकड़ लेंगी और फिर आपकी जो टाइपिंग है वो उस बंदे से जबरदस्त आएगी जिससे आप कंपेयर करना चाहते हैं। जैसे मान लेते हैं पड़ोस में अगर कोई दूसरा टाइप कर रहा है तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, और यही चीज आपको एग्जाम में भी फॉलो करनी है कि वहां पे कई लोग होंगे, आपको उन सब पे फोकस नहीं करना, फोकस अपने आप पे करना और अपनी स्ट्रेटजी पे करना है, क्योंकि दूसरे पे अगर फोकस करेंगे तो आपका काम तमाम हो जाएगा। आप क्या करिए, जैसे वहां पे नया कीबोर्ड आपको मिलेगा तो एक्सरसाइज भी करने को मिलती है प्रैक्टिस के लिए, और अगर आपको कीबोर्ड में दिक्कत है तो कीबोर्ड आप चेक भी करा सकते हैं। उसके अलावा उसे जो है आप आराम से देखिए, चेक कर लीजिए पूरा आराम से, और जो सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप एक मिनट तक आराम से टाइप करिए, उसके बाद क्या है कि फिर आपकी रिदम बन जाएगी तो फिर आपकी जो टाइपिंग होगी वो विदाउट एरर होगी, एरर जो है वो बिल्कुल कम होने के चांस होंगे। और अगर शुरुआत का एक मिनट आपने गड़बड़ कर दिया तो फिर पूरी टाइपिंग आपकी बेकार हो जाएगी और आप मिस्टेक भी बहुत ज़्यादा करेंगे, तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि पोजिशन, हमेशा आप टाइपिंग करो तो इसी तरीके से करो। उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा टाइप नहीं करना, ऐसा नहीं है कि एक साथ 3-4 घंटे टाइप कर रहे हैं, ये नहीं करना है आपको, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 घंटे टाइप करना है। 1 घंटे आप मजे से टाइप करेंगे, और 1 घंटे क्या, मैं तो कहता हूँ 40 मिनट टाइप करिए, 40 मिनट आराम से मन लगता है, 40-40 मिनट के आप स्लॉट बना लीजिए कि आपको सुबह टाइप करना है, फिर दोपहर में टाइप करना है, फिर आपको रात में टाइप करना है, और दोनों की प्रैक्टिस करिए, ऑनलाइन भी करिए ऑफलाइन भी करिए। जैसे 40 मिनट आपने टाइपिंग अपना इस तरीके से किया, पेपर को देख के टाइप किया, उसके बाद क्या करना है, 10 मिनट या 15 मिनट का टाइपिंग मास्टर पे खोल के टाइप कर लिया, या जो भी सॉफ्टवेयर अभी मैं आपको बताऊंगा उस पर आपको टाइप करना है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस अपनी करनी है, ऐसा नहीं कि दिन भर आपको ऑनलाइन ही टाइप करना है। ऑनलाइन जो है
वो आप कम से कम करिए, क्योंकि जितना आप ऑफलाइन करेंगे फिर उसके बाद 10 मिनट में ही आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी जो स्पीड है और जो आपकी एक्यूरेसी है उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। तो ये सारी बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे और इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। इसके अलावा अभी आपको ढेर सारी वीडियोस इस कोर्स में मिलती रहेंगी जिसमें आपको मैं ए से लेकर जेड तक जानकारी देने वाला हूँ कि आपको एग्जाम हॉल में प्रेशर कैसे कम करना है, कैसे वहाँ पर टाइप करना है, तो सब कुछ आपको इस कोर्स में मिलेगा। तो कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको क्या करना है, 6307185699 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा होगा तो मेरी सारी बातें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आपने इस वीडियो को देखा है, आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।